अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا। محترم سامعین، ماہ ربیع الاول ہے اور اس میں बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे, ख़वातीन सब जानते हैं और सब के इल्म में है कि ये वो महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और ये वो महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। इस महीने की मुनासबत से हमारे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गुफ्तगू रहती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुसलमानों की मोहब्बत है, वाबस्तगी है, उसका इजहार होता है। और फिर इसमें ये बात भी रहती है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारी मोहब्बत है, उसके इजहार और मुजाहरे का अंदाज़ क्या होना चाहिए, इस पर बहस रहती है, इस पर लोग बात करते हैं। मैंने आज बात इस पर नहीं करनी, ये सिर्फ़ एक तमहीद के तौर पे ज़िक्र कर रहा हूँ। मैं ये बहस नहीं करने वाला कि इस पर आप इजहार कैसे करें, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत का की खुशी कह लें या जो उसका इजहार किया है वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर का रोज़ा रखा करते थे और ये सही हदीस मुबारका में मौजूद है, आपसे साबित है, इसमें किसी को कोई इनकार नहीं है। और जो चीज़ साबित हो उसी को अपनाना ही दानाई है, दानिशमंदी है, समझदारी है, बजाय इसके कि आप उन चीज़ों की तरफ चले जाएं जिसके बारे में बहस और मुबासा हो और जिसके बारे में ये मुसलमानों के एक बड़े हिस्से का ख्याल ये हो कि उस आप सल्लम की विलादत को मनाने का ये जो अंदाज़ मुसलमानों में राइज है ये साबित नहीं है। मैं आपके सामने वो बात करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो इजहार है वो आप क्यों करना चाहते हैं कि आप कहें कि मैं ज़ुबान से करना चाहता हूँ, आप कहें कि मैं घर में खाने बना के करना चाहता हूँ, मैं नए कपड़े पहन के करना चाहता हूँ, मैं बाज़ार में जुलूस ले जा के करना चाहता हूँ। भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार आप अमल से क्यों नहीं करते? बड़ी सादा सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी मामूली सी बात है, ये ऐसी नहीं है जो किसी को समझ ना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अमली जिंदगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के सामने, सहाबा इकराम के सामने दावे नहीं किए। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी का नमूना अपने अमल के साथ अपने साथियों के सामने रखते थे, खुद करते थे और फिर सहाबा इकराम से कहते थे आप करें, खुद करके दिखाते थे। सो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अमल का नमूना है, अमल से इबारत है, सारी जिंदगी आपने अमल करके दिखाया है और सहाबा इकराम ने आपसे जो मोहब्बत की है वो अमल के साथ की है, आपकी सुन्नतों को अपनाया है, आपकी तालीमात पर अमल करके दिखाया है और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का बेहतरीन अंदाज है। सो हमें इसमें क्या मुश्किल लगता है? एक मुश्किल तो वाज़े है, वो ये है कि आपको जब भी अमल करना होता है ये तबीयत पर बोझल होता है, गिरा गुजरता है, औखा लगता है अमल करना। आप सहाबा इकराम की जिंदगी पढ़ें कि वो आसा सल्लम की जिंदगी देखें कि आसा सल्लम रात का एक हिस्सा इबादत करते थे, इबादत करते थे, पाँव में सोजिश हो जाती थी। ये सुनना, ये कहना बड़ा आसान है, सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में कितनी दफा ऐसा हुआ है कि हमने इतनी इबादत की हो, कितनी दफा हुआ है? सो ये मुश्किल काम है, सुनना, सुनाना, दावे करना, इजहार करना आसान होता है, सब करते हैं,
जो मुश्किल काम है अमल को अपनी जिंदगी में लाना, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, वो क्योंकि मुश्किल होता है सो उससे हम बचते हैं। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पीर का रोजा रखा है, ये अमल है, हम नहीं करते, हमसे नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह, हम नहीं करते, क्यों नहीं करते? जब मोहब्बत है तो फिर क्यों नहीं करते? जब आपसे साबित है तो फिर क्यों नहीं करते? जब इसमें इख्तलाफ नहीं है तो फिर क्यों नहीं करते? यानी हम इस तरफ तो जाते हैं कि जी फलां मौली साहब कहते हैं ये ठीक है, फलां कहते हैं गलत है, हम जज बन के उसमें एक 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 हमारा एक अपना अंदाज होता है कि भाई इनकी बात तो नहीं समझ लगती, ये मुझे सही लगते हैं ये सही नहीं लगते, छोड़ दें सबको, कौन सही है कौन गलत है, जहां पे कोई बहस नहीं है, जहां पे कोई बात नहीं है, जहां पे किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत की वजह से पीर का रोजा रखा है, इसमें कोई इख्तलाफ है, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि आपने रोजा नहीं रखा, ये जो ये शख्स कह रहा है ये गलत कह रहा है, आपने तो पीर का रोजा रखा ही नहीं है, कोई नहीं कहेगा। जब रखा है और जब ये फरमाया है कि विलादत की वजह से है तो क्यों नहीं रखते? इसको छोड़ के उन कामों की तरफ क्यों जाते हैं जिसमें बात है, जिसमें बहस है, जिसमें इख्तलाफ है? सो एक बात, मैं ये भी मेरी तमहीद है, ये तमहीद लंबी होती जा रही है, बात मैं आज ये नहीं करना चाहता, ये तमहीद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जब अमल से है तो हमारी जिंदगी दावों से क्यों हो, हमारी जिंदगी अमल से क्यों नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत का इजहार है वो आपकी सीरत पर अमल करके क्यों नहीं है? सो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक पहलू आपके सामने आज रखना चाहता हूं, जो अमली पहलू है और जिसकी आज जरूरत है, और वो पहलू ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप पर वही नाजिल हुई और वो परेशानी का आलम था, आप बहुत परेशान हुए, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब मालूम हुआ तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, और तसल्ली कैसे दी? फवल्लाहि ला युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, नबी करीम अल्लाह की कसम है अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेंगे। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीमा, आप सिला रहमी करते हैं, आप रिश्तेदारों में के साथ मोहब्बत का मामला करते हैं, आप ताल्लुक बनाने का मामला करते हैं, ताल्लुक बिगाड़ने का, दूरी पैदा करने का, नफरत पैदा करने का नहीं करते, बल्कि मोहब्बत बनाते हैं, ताल्लुक बनाते हैं, रिश्तेदारियां जोड़ते हैं। वतसुकुल हदीस, सच बोलते हैं, आप सच्चे हैं। वतहमिलल कल्ला, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, लोगों के काम आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जब आप लोगों की मदद करते हैं, जब आप लोगों के काम आते हैं, सो इस वजह से अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, आपको इज्जत मिलेगी, आपको बुलंदी मिलेगी, आपको शान मिलेगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो आपकी सिफात हैं, जो आपकी सीरत है, उनमें से एक सिफत यह है कि आप कमजोरों के काम आते थे, आप परेशान हाल लोगों के साथ खड़े होते थे, और आप बिन उमूम शरीयत की सारी तालीमात उठाएं, आपने हमेशा कमजोरों की बात की है। यानी आप नमाज की बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आइम्मा से, सहाबा इकराम से ये कहते हैं कि नमाज जब जमात करवाओ तो नमाज को हल्का रखो, इसलिए कि पीछे कमजोर लोग भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कमजोरों का ख्याल किया है नमाज में भी। और आप बेशुमार मिसालें, आप सल्लम, वो एक खातून थी या वो एक लड़का था जो सफाई करता था मस्जिद की, फौत हो गया, तो आप सल्लम ने एक दिन पूछा कि वो मुझे लड़का नजर नहीं आ रहा, तो कहा जी वो तो फौत हो गया था, तो आपने वहां मुझे बताया क्यों नहीं? तो सहाबा इकराम ने गोया कि ये बात कही कि वो चूंकि सफाई करने वाला लड़का था तो हमने मुनासिब नहीं जाना कि उसकी खबर भी दे। आपने कहा नहीं, आप उस लड़के की कब्र पे पहुंचे, कब्रस्तान गए, उसकी कब्र पे पहुंचे, वहां उसके लिए जनाजा दुआ की उसके लिए। आप कमजोरों का ख्याल करते थे, ये आपकी सिफत है, ये आपकी सीरत है। सो आपसे मोहब्बत
आपकी सीरत पे अमल करके आज नबी करीम की शख्सियत की जितनी सिफात हैं वो इतनी हैं कि वो आप जिक्र करता जाए कोई और कोई सुनता जाए तो थक जाए और वो ख़त्म ना हो, इतनी सिफात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन उन सिफात में से जो एक सिफत जो आज के हालात की मुनासिबत से आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप कमज़ोरों के साथ खड़े होते थे तो आज आपके बहुत सारे भाई कमज़ोर हो चुके हैं, जो कमज़ोर नहीं थे, जो मेरे और आपकी तरह थे, इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह ताला ने वो रोज़गार उनके लिए रखा था, उनकी औलाद थी और वो कमाते थे, औलाद को खिलाते थे। लेकिन एक हादसा पानी की सूरत में, सैलाब की सूरत में आया जिसने सब कुछ उजाड़ दिया, घर गिर गए, खेतियां उजड़ गईं, रोज़गार ख़त्म हो गए और वो इस वक्त सड़कों पे हैं, सड़कों पे खैमे लगा के बैठे हैं खुले आसमान तले, तो वो इस वक्त कमज़ोर हैं। बाज़ तो वो हैं जो थे ही कमज़ोर और बाज़ वो हैं जो कमज़ोर नहीं थे लेकिन वो कमज़ोर हो चुके, हालात ने हादसे ने उन्हें कमज़ोर किया है। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सिफत कमज़ोरों के साथ खड़ा होना उसको सामने रखते हुए उन्हें अपनाते हुए मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आज अपने भाइयों के लिए खड़े हूँ और हम खड़े हुए हैं अल्लाह की तौफीक से। ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि जब सबसे पहले सैलाब जनूबी पंजाब में आया तो हमारे इन भाइयों ने, आप भाइयों ने, हमारे जो अपर पंजाब के लोग थे इतना कुछ भेजा, आप यकीन जानिए इतना कुछ भेजा कि वहाँ तकसीम करना मुश्किल हो रहा था, मुश्किल होता था कि कैसे तकसीम किया जाए। पहले ट्रक तकसीम ही होते थे और आ जाते थे, वो तक सर्वे होता नहीं था, लोगों को टोकन अभी देते नहीं थे और सामान आ जाता था, तो इतना सामान। सो अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे और उन्हें ये जो सिफ्त मौजूद है अल्लाह ताला इसमें और इजाफा करे, मुसलमानों का दर्द, उनकी हमदर्दी, उनके साथ भाईचारा, अखुवत, मोहब्बत इसमें इजाफा करे कि जब किसी मुसलमान भाई पे तकलीफ हो तो दूसरा मुसलमान साथ खड़ा हो जाए। ये अखुवत है, अखुवत इसको कहते हैं कि चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का पीरो जवां बेताब हो जाए, यानी अखुवत ये है, भाईचारा ये है, मोहब्बत ये है कि एक मुसलमान परेशान हुआ तो सारे मुसलमान बेताब हो गए कि इसकी परेशानी कैसे खत्म हो, मैं इसकी परेशानी खत्म करने के लिए क्या कर सकता हूं, मेरी कितनी इस्तेआत है, मैं जो इस्तेआत है, हत्ता कि अगर मैं अपने भाई की उंगली पकड़ के पानी में खड़े भाई का हाथ पकड़ के उसको खींच के बाहर निकाल दूं तो यह भी अखुवत है, यह भी भाईचारा है, यह भी तामुन है, यह भी हमदर्दी है, यह इस्लाम है, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। सो आपके सामने चंद हालात और वाकयात इसलिए रखना चाहता हूं कि आपके और मेरे भाइयों के हालात क्या हैं। अल्लाह ने तौफीक दी और जो मुमकिन होता है, इंसान जो नेकी करता है वो छोटी हो वो बड़ी हो वो अल्लाह ही की तौफीक से मुमकिन है। हमारे भाइयों ने नेकियां की, आप सब लोगों ने नेकी की अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ने मुझे भी तौफीक दी, मैं वहां को एक डेढ़ माह गुजार के आया, पहले 20-25 दिन जनूबी पंजाब में, फिर क्वेटा में और फिर 20-25 दिन सिंध में। तो जो आज से डेढ़ माह पहले जो हालात जनूबी पंजाब के थे और तौंसा और राजनपुर, फाजलपुर और ये जितनी इलाके थे, जो इनके हालात थे आज वो हालात सिंध के हैं, यानी हमें शायद ये लगता है कि अब हालात संभल चुके हैं, जनूबी पंजाब में संभल चुके हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सिंध में नहीं संभले। सिंध में बहुत पानी है, इतना पानी है कि हम 15-20 दिन पहले जब एक बस्ती में हमें पता चला कि गोठ कहते हैं बस्ती को, कि वहाँ जो है वो 70-80 घर हैं लेकिन पानी ने उनके रास्ते काट दिए हमें और उनका कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, तो हम वहाँ गए, कुछ रास्ता जो था वो पैदल पानी के अंदर से गुजर के गए, 3 फीट पानी था, कहीं 3.5 फीट था। तो हमें जो वहाँ के बस्ती के लोग लेने आए थे तो वो हमें बार बार कह रहे थे कि आपने सेंटर से गुजरना है, ना इधर ज़्यादा जाना है ना इधर जाना है, और वो हम पे नज़र रखे हुए थे कि हम थोड़ा सा इधर को जाते तो कहते नहीं नहीं इधर हो जाएं। और ऐसा क्यों था, इसलिए था कि वो कहने लगे कि यहाँ 3 नौजवान डूब चुके हैं जिनकी मौत वाकई हो चुकी है, इसलिए कि ये सड़क है, सड़क पे पानी जो है वो 3 से 4 फीट है और दोनों साइडें जो है वहां 12 से 16 फीट पानी है,
वो प्लॉट थे खाली, गहरे थे, सो पानी के साथ वो बराबर हो चुके हैं। और फिर कश्ती उन्होंने खुद बनाई हुई, और आप अंदाज़ा करें जब पानी इतना ज़्यादा पानी हो और खुद साख्ता कश्ती हो, वो खुद से एक रिस्की काम है। और फिर उसको चलाने वाले वो कोई आपके रेस्क्यू के लोग नहीं हैं, जो ट्रेंड हूँ वो खुद ही चलाते हैं, सो वो कोई भी गलती कर सकते हैं। उसी में बच्चे जाते हैं, उसी में ख्वातीन जाती हैं, और हमने देखा अल्लाह ताला हमारे बहन भाइयों पे के लिए आसानी पैदा करे। माएँ, एक बहन को देखा जो प्रेगनेंसी में थी, और उनको वो एक बड़ा कढ़ाया जिसको आप बोलते हैं, जिसमें वो बनाते हैं खजूरें, अपनी खजूरें जिसमें डाल के और उसको छुआरे बनाते हैं, उसमें उस बहन को डाल के वो चार लोग पकड़ के खींच के ला रहे थे। बस्ती के अंदर गए तो आप यकीन करें, वो जो 70-80 घर थे, उनमें से चंद घर थे जिनकी छतें बची हुई थी, दीवारें सबकी गिर चुकी थी और छतें अक्सर की गिर चुकी थी। और उन्होंने बताया कि हम 2 दिन पहले यहाँ लौटे हैं इस बस्ती में, और सिर्फ चंद लोग लौटे, खवातीन को नहीं लेके आए, इसलिए लौटे हैं कि हमें खदशा है कि यहाँ लोग आके हमारे जानवर ना ले जाएं। जानवरों के लिए 1-2 लोग मौजूद थे जो उनको चारा डालते थे, अब हम ज़्यादा लोग आ गए, हमारा कोई सामान ना उठा ले। सो वो लोग वहाँ पहुँचे, और आज जिन बच्चों के लिए आज जो हालात हैं आपके और मेरे, हम घरों में अपने बच्चों के लिए जितने मोहतात हैं, ये बच्चे उठाए जा रहे हैं, अगवाकार मौजूद हैं, बच्चों को संभाल के रखते हैं, आप यकीन करें आप वहाँ जाएं तो आपको लगेगा कि ये बच्चे, इनका तहफ्फुज़ कौन करेगा, सड़कों पे हैं, सड़कों पे हैं, ये कोई मैं जुमला नहीं बोल रहा, वो सड़कों पे, वाकईतन सड़कों पे हैं, मेन सड़क है, इस तरह भी खेमे लगे, इस तरह भी खेमे लगे हुए, और बच्चे मौजूद हैं इन खेमों के अंदर, इन्हीं सड़कों पे बच्चे कोई बगैर जूता पहने इधर भागे जा रहा है, उधर भागे जा रहा है, कमीज नहीं है बच्चों के तन पे। और उन्होंने ईंटें और रोड़े लगा के और पत्थर रख के सड़कों के किनारे पे, दोनों साइडों पे पत्थर रखे हैं कि अल्लाह ना खास्ता कोई ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी खैमे में ना घुस जाए, कोई बाइक कोई गाड़ी, जाहिर खैमों सड़क पे बैठे हैं तो कोई भी एक दूसरे एक गाड़ी को क्रॉस करते हुए भी खैमे की तरफ जा सकती है, कोई बच्चा नीचे आ सकता है। सो इस कैफियत में बैठे हुए हैं, और वहाँ आप जिस गोठ में चले जाएं, कुछ खवातीन बच्चे बीमारी के साथ लेटे हुए हैं, और माएँ बैठी देख रही हैं, मेडिकल कैंप नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वे बैठे हुए हैं। और हमने वहाँ कुछ बच्चों को देखा जिनको स्किन के मसाइल थे, और स्किन जो है वो इंतहाई बुरे तरीके से, गर्दन बाजू टांगे बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, और एक ही गोठ में 6-6, 8-8 बच्चों के साथ इस तरह का मामला है। सो वो लोग वहाँ बैठे हैं, मैं अकेला नहीं था, हम टीम थे, तो जब जाते थे, अब यकीन करिए उन बहन भाइयों को देख के लगता था कि या अल्लाह तेरी इतनी नेमतें हम पर, यानी हम यहाँ बैठ के हम देख रहे होते हैं कि अच्छा ये नौकरी है इसे अच्छी कैसे मिलेगी, वहाँ अप्लाई कर दो, वहाँ अप्लाई कर दो, यहाँ सैलरी कम है वहाँ कैसे अच्छी होगी, इनके साथ भी शिकवा है उनके साथ भी शिकवा है, ये घर छोटा है बड़ा घर कैसे होगा, ये गाड़ी छोटी है बड़ी गाड़ी कैसे होगी। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपसे नीचे वाले, अपने से नीचे वालों को देखो तो देखो, आपको एहसास होगा कि आप किन नेमतों में रहते हैं। आपकी, आप कहते हैं दुनिया को जब आप देखते हैं कि वहां तो सेहत की इतनी अच्छी सहूलतें, हमारे अस्पतालों के इतने बुरे हालात हैं, अगर एक चक्कर सिंध का लग जाए और जनूबी पंजाब का लग जाए तो आप कहेंगे इतनी ज्यादा सहूलतें हमारे पास सेहत की, इतनी सहूलतें। सो हुकूमतों ने जितना काम वो करती हैं उन्होंने उतना ही किया है, प्राइवेट एनजीओज ने प्राइवेट इदारों ने, अफराद ने, आप जैसे भाइयों ने मिलकर जो काम किया है, आप यकीन जानिए वो हुकूमतों से, अब वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हो, उनसे 100 गुना ज्यादा है। और आप जिन बस्तियों में जाते हैं वो कहते हैं यहां तो लोग आते, और अल्लाह की तौफीक से मुझे इस पर फख्र है, और मुझे आप भाइयों पर फख्र है, और ये अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है। हमें अक्सर लोगों ने कहा कि यहां मौलवी पहुंचे हैं, दाढ़ी वाले लोग पहुंचे हैं, जिनको आप कहते हैं ये करते क्या हैं, जिनको आप कहते हैं ये तो मुआशरे का बोझ हैं, इनको तो आप मुअज्जज़ शहरी नहीं समझते, जिनको आप समझते हैं ये बैकवर्ड लोग हैं, ये अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। आज भी मैं इदारे अपनी उंगलियों पर गिन सकता हूं,
बीसियों इदारे जो दीनी इदारे हैं, बीसियों दीनी मसाजिद हैं जो आज भी खड़ी हैं, अपने नमाजियों को कहते हैं, उन्हें याद दिलाते रहते हैं, तस्कीर उन्हें कहते रहते हैं, भाइयों से इकट्ठा करके पहुंचाते हैं, और वहां लोग महीनों से मौजूद हैं जो अपने बच्चों से दूर हैं, उनके बच्चे, बच्चों की जरूरियात वही है जो मेरे और आपके बच्चों की हैं, वो वहां मौजूद हैं, उनके काम मुतासर होते हैं लेकिन वो वहां मौजूद हैं और वो अल्लाह की तौफीक से खड़े हैं। और हाल ये है कि अब आपकी फौज, आपकी फजाइया, आपकी नेवी उन इदारों से कहती है कि आए आप लेके आए, हम आपको अपने अपनी कश्तियां देते हैं, जहाज देते हैं, हेलीकॉप्टर देते हैं, इसमें तकसीम करें। होना तो ये चाहिए था जब आपके हेलीकॉप्टर आपके पास हैं, कश्तियां आपके पास है, तो इमदाद आपके पास क्यों नहीं है, पैसा किधर है, वो क्यों नहीं आ रहा। सो इस वक्त कश्तियां और हेलीकॉप्टर हुकूमत के हैं और इमदाद किन की है, आप भाइयों की, खर्च आपका है। सो जो भी है ये एक अलग मसला है, असल मसला ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी हमारे बहन भाई उसी तरह परेशान हैं जिस तरह डेढ़ माह पहले थे। तो ये बताने के लिए आज मैंने इस मौजू का इंतखाब किया कि कहीं आपको ये ना लगे कि मामला सुलझ चुका और संभल चुका है, नहीं संभला, जुनूबी पंजाब में संभल चुका, कोयटा और आपका जो स्वात के एरिया थे ये चूंकि पहाड़ी थे तो यहां पानी आया और पानी ने जो नुकसान करना था नुकसान किया और बह गया। लेकिन सिंध का मामला ऐसा नहीं है, सिंध में पानी खड़ा हो गया है, वो पहाड़ी इलाका नहीं है, वहां पानी खड़ा है और लगता यूं है कि कम अज कम डेढ़ से दो माह पहले तक वो पानी कहीं नहीं जाने वाला। यानी मैं आपको बताता हूं, दादू का एक इलाका है, दादू सिंध का एक जिला है, उसका एक इलाका है, वहां जब हम गए तो मैं, मेरे पास उसकी वीडियो मौजूद है, कोई 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी आप यहां खड़े होकर देखें तो जिसको हम कहते हैं ना तहद्दे निगाह, वही वाला मामला है। यहां खड़े होकर देखें तो आपको पानी के सिवा कोई चीज नजर नहीं आती, दरख्त नजर आते हैं, पानी नजर आता है या उसमें डूबी गोठे नजर आती हैं, आपको कोई सड़क, कोई टीला, कोई चीज नजर नहीं आती। कमोबेश 10 किलोमीटर तक पानी है और पानी कितना, 5 से 6 फीट पानी है और पानी के अंदर बस्तियां और गोठे मौजूद हैं। चूंकि गोठे हैं हमारे यहां जो अब 12 फीट 14 फीट तक मकान बनते हैं, तो जो साइडों के मकान हैं वो 4-4 6-6 फीट डूबे हुए हैं, अंदर के मकान महफूज हैं, दीवारें गिर गई बाकी महफूज हैं, तो वो सारी कट गई हैं और उसमें सैकड़ों बस्तियां हैं, एक दो नहीं है, 10 किलोमीटर। और हमने 4 बस्तियों में हम गए और हमें 2 घंटे लगे और 2 घंटे मुसलसल पानी में, और कश्ती वो नहीं थी, चप्पू वाली नहीं थी, मोटर वाली थी, तेज चलने वाली, और 2 घंटों में हम 4 बस्तियों में पहुंचे। और ये हालात आज से, मैं 4 दिन पहले वापस लौटा, तो ये आप समझे कि कोई 8 से 10 दिन पहले के हालात आपको बता रहा हूं उस बस्ती के। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये है कि आप कमजोरों के साथ खड़े होते थे। मेरा और आपका आपसे मोहब्बत करना यूं है कि हम कमजोरों के साथ खड़े होंगे, और अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, हादसा तो किसी के साथ भी पेश आ सकता है, हम भी कमजोर हो सकते हैं। हमने हमेशा, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे रहना है, अल्लाह ना करे, कोई अल्लाह कभी ना करे कोई हादसा हो जाए तो हमारे हालात भी ये हो सकते हैं। सो हालात जब एक मुसलमान भाई के हालात ऐसे हों तो दूसरे मुसलमान भाई को ऐसे खड़ा होना है, जो जैसे जितना कर सकता हो उसे खड़ा होना है। उसे यह नहीं समझना कि मैं तो खुद कमजोर हूं। आप कमजोर हैं लेकिन आप पानी में नहीं हैं, आप कमजोर हैं, आपके बच्चों के सर पे छत मौजूद है, आप भले कमजोर हैं, आपके पास डॉक्टर मौजूद है, आपके पास 3 वक्त का खाना मौजूद है। सो वो आपके भाई इन चीजों से इस वक्त महरूम हैं। सो उनके लिए आप एक बिस्तर के साथ, सर्दियां आ रही हैं, एक कंबल के साथ, एक 10 रुपए के साथ खड़ा हो सकते हैं तो आपको खड़ा होना चाहिए। और अल्लाह की तौफीक से इस आपके मरकज ने हमेशा जहां इल्मी और तरबियती और दावती काम किया है, वहां अपने भाइयों की फलाह के लिए और अपने भाइयों की मुश्किल में हमेशा साथ खड़ा हुआ है और आज भी खड़ा है। आज भी अल्लाह की तौफीक से ये मरकज वहां जिन भाइयों के जनूबी पंजाब में मकान गिरे हैं वहां उनको बना के दे रहा है। जुजवी मकान जो गिरे हैं, जो कुल्ली तौर पे गिर गए, वो जितनी हमारी इस्तेआत है आप भाइयों के तामून से, वो आज भी उसके लिए हम खड़े हैं।
आज भी मैदान में, और हम ही नहीं खड़े, बीसियों मसाजिद खड़ी हैं, बीसियों दीनी इदारे खड़े हैं। और मैं यकीन करें, मुझे कोई अदावत नहीं है, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं, आप खुद देखिएगा, आपको इल्ला माशाल्लाह कोई एनजीओ नजर नहीं आएगी जो एसी रूम में बैठ के बजट खाती है, जो फंडेड एनजीओज हैं, जिसको बाहर से भी पैसे आते हैं। आपको उस पानी में उतरना उनके लिए मुश्किल है। ये तो इस तरह के नौजवान हैं जिनका अल्लाह पर तवक्कुल है, वो कहते हैं अगर भाई तकलीफ में है तो हम भी पानी में उतर दें, बीमारी लग जाएगी तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे, साथ उतरते हैं पानी में। वरना तो दूर पानी आपके 10 फुट दूर हो तो आप यहां खड़े उससे आगे नहीं जाते, वहां से आप देखते यूं उंगलियां यूं करके आप फुटेज बना के तस्वीरें बना के वापस लौट आते हैं। सो हमें अपने भाइयों के साथ खड़े होना है, भाइयों की मुश्किल में उनके। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम 5 लोग थे, उनमें से 2 लोगों के, एक को डेंगू हो गया और एक को मलेरिया हो गया। क्यों? इसलिए कि वहां मच्छर इतने हैं, पानी की वजह से पानी में मच्छर खड़ा हुआ है। और इन भाइयों को हो गया तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने सेहत भी दे दी, लेकिन सवाल यह है कि वो बहन भाई और बच्चे जो हमेशा वहां मौजूद हैं और जिनके पास मेडिसिन नहीं है, जिनके पास मेडिसिन के पैसे नहीं है, और वो इतने पानी से गुजर के इतनी दूर जा नहीं सकते। हमने एक जगह पे, अब आपने सुना है, बल्कि मारूफ जिला है सिंध का सखर, हम वहां मौजूद थे, तो हमने करीब के जितने इलाके थे वहां हमने सर्वे किया, जाके बस्तियां देखी जिनके घर गिर गए थे या जो परेशान हाल लोग थे, उनको हमने वहां टोकन दिए और हमने कहा कि आप सखर तशरीफ ले आए। वहां हमने एक जगह पे सबके राशन पैक रखे और टोकन देखते गए और उनको एक एक राशन सबको दिया। आप यकीन करेंगे कि वहां से जिस आदमी का 50 रुपए या 100 रुपए किराया लगता था सखर आने में बस्ती से, हमें इतने फोन आए कि हम क्या करें, आप हमारे घर नहीं पहुंचा सकते, हमारे पास किराया नहीं है सखर आने का। यानी हम आए तो कैसे आए, या फिर आप हमें यह इजाजत दे दें कि हम एक बंदा जो है वो 20 अपनी बस्ती के 20 या 30 लोगों को टोकन लेके आ जाएं ताकि किराया एक ही लगे, गाड़ी एक ही आए। तो हालात ये हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की परेशानी को इस दुनिया में दूर करता है, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस शख्स के गम को और परेशानी को दूर करेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक एक बंदा, जब तक एक मुसलमान अपने भाई की मदद में लगा रहता है तो अल्लाह ताला इसकी मदद में लगे रहते हैं जो अपने भाई की मदद करता है। तो हमें अपने भाइयों की मदद करनी है, हमारे भाइयों को आपकी और मेरी मदद की जरूरत है। जो भाई वहां जा सकते हैं, और मैं तो कहता हूं कुछ अगर आपके पास वक्त आप निकाल सकते हैं, कोई हफ्ता निकालें अपनी तरबियत के लिए, निकालें उनके लिए नहीं, अपनी तरबियत के लिए। वहां जाके आपको एहसास होगा कि अल्लाह की आप पर कितनी नेमतें हैं, वहां जाके एहसास होगा कि परेशानी किसको कहते हैं, वहां जाके आप देखेंगे कि सुनने में और देखने में कितना फर्क होता है। सो आज मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए मेरी इतनी दरखास्त है कि आप सब भाई इस मरकज में जो हमारे भाई और हम दोस्त मौजूद हैं, या आप जहां रहते हैं आपके दोस्त अहबाब, आपके करीब के लोग जो वहां काम कर रहे हैं, आप अपने तामुन को वहां भेजें। और ख़ास तौर पे मकान बनाने में सर्दियां आ रही हैं, और अभी गर्मियों में तो उन्होंने खैमों में गुजारा कर लिया, सर्दी में खैमे सर्दी नहीं रोक सकेंगे, हरगिज़ नहीं रोक सकेंगे। छोटे छोटे बच्चे, 6-6 माह के बच्चे, 1 साल, 4 साल, 5-5 साल के बच्चे, और अब अगर वो नंगे तन और नंगे बदन भाग रहे हैं तो सर्दी में नहीं भाग सकेंगे। सो मेरी और आपके तामुन की जरूरत है, मैं और आपने अपने भाइयों के साथ खड़े होना है। और इंशाल्लाह, आप कहिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम खड़े हुए थे और इंशाल्लाह हम खड़े होंगे और खड़े रहेंगे जब तक वो भाई संभल ना जाएंगे अल्लाह की तौफीक से। और मैं आपको यह भी बता दूं, हमें मायूसी नहीं है। मुझे आज भी एक आदमी, एक शख्स ने 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो 10 घर वहां बनाना चाहता है, जो 4 मसाजिद की बहाली चाहता है, जो वहां 5 RO प्लांट लगवाना चाहता है, और वो आज मुझे कहता है कि नहीं सर, मुझे सर्वे करके बताएं कौन कौन सी बस्ती है, ये मैं करना चाहता हूं। लोग मौजूद है, अल्लाह की तौफीक से खड़े, लेकिन मैं कहता हूं कि ये उस बंदे का काम नहीं है कि जिसके पास करोड़ों है, ये उस बंदे का काम भी है जिसके पास सैकड़ों में, जिसके पास 100 रुपये होता है, उसने भी खड़ा होना है, उसने अपनी इस्तेआ से खड़ा होना है। ये अपनी इस्तेआ से खड़ा हो
और ये अपनी इस्तेता से खड़ा हो ताकि ये अखुवत और भाईचारा, मोहब्बत और मवद्दत मुआशरे में बढ़े। और इस्लाम मुझसे और आपसे यही चाहता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सीरत है। और अपने अमल के साथ ये साबित करें, दावे नहीं अमल के साथ करें। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।